हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अरे चलिए तो। हाँ चलिए चलिए, अब ठीक तो। तो आपको बता देना चाहते हैं गाइस, तो आप यहाँ पे बैठिए, पहले यहाँ पे बैठिए, यहाँ पे बैठिए। आपसे मतलब मेरा कहना है कि आप दिन भर का कितना कमा लेते होंगे ये रिक्शा मतलब चला करके और बोरा वगैरह ये करके, दिन भर का कितना कमा लेते होंगे? 300-400 रुपये कमा लेते होंगे। तो उससे मतलब परिवार का गुजर बसर हो जाता है, परिवार मतलब अच्छा खासा बढ़िया चल जाता है ना? हाँ। कोई दिक्कत वगैरह नहीं ना होता है? हाँ। तो आप दिन भर मेहनत करके 300-400 रुपये कमा लेते हैं? हाँ। तो पहले आप मेरे तरफ से ये कुछ है, बिस्किट है, ये खाइए। पहले आप पकड़िए, लीजिए, खाइए, पकड़िए इसको। अरे कुछ मुँह मत रखिए, आप उसको रखिए और ये आप रखिए। और मतलब आप अभी इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? आपका लड़का मतलब आपके लड़का है ना, आपको बेटा है ना, तो आप मतलब लड़का रहते हुए भी आप क्यों मेहनत कर रहे हैं? आपका बच्चा क्यों नहीं मेहनत कर रहा है? ऐसा मांग रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं मांग रहेगा, नहीं करेंगे। अभी आपके पास है ताकत, तो आप हमको ये बताइए कि मतलब ये कर लेते हैं तो अच्छा खासा मतलब आपका घर में मतलब रोजगार चल जाता है? हाँ। कोई दिक्कत वगैरह नहीं होता है? आप ये करते हैं तो अभी जो लेके जा रहे हैं उतना में मालिक आपको कितना देता होगा? 60 रुपया देगा। 60 रुपया, तो 60 रुपये आप दिन भर का कितना चलते होगे? दिन भर में मतलब कितना बार आते जाते हैं? रहते हैं, ये न्यू न्यू जाते हैं। गिरियक तक जाते हैं? हाँ। तो आप इनके साथ रहते हैं? हाँ। नहीं रहते? आप इनको मदद करते हैं साथ में चल के? अच्छा ठीक। तो आपको तो देखो गाइस, ये 300-400 कमा लेते हैं और 11 बजे खाना खाते हैं। तो गाइस आप लोग ये बताओ कि हम बढ़िया काम कर रहे हैं या फिर गलत मेहनत कर रहे हैं? अभी तक मुंह नहीं धोए हैं, शायद 10 बज चुका है। तो मतलब आप कितना बजे तक आप ये काम करते हैं, उसके बाद खाना कितना बजे खाते होंगे? खाना तो खा लेते हैं सवेरे, तो कभी कभी कुछ देर हो जाता है, 11 बजे लगभग। 11 बजे लगभग, तो आप मतलब दिन भर बहुत मेहनत करते हैं और 11 बजे खाना खाते हैं। बताइए, आप अपना शरीर पे भी ध्यान दीजिए। और मतलब आपका घर यहाँ से कितना दूर होगा? करीब 1 किलोमीटर। कितने खुश हैं इनको देखिए, हम मात्र 30-40 रुपये दिए हैं जो कि मेरा पॉकेट खर्चा है, मतलब घर से हमको मिला है और इनको हम देते हैं। ये कितने खुश है देखिए गाइस, ये लाइक कर रहे हैं। तो आप लोग भी लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को। तो आपको एक बात और बताना था गाइस कि इनके मतलब परिवार बहुत ज्यादा है और इनके मतलब इनको बहुत दिन से गरीबी चल रहा है, तो दिन भर का 300-400 कर लेते हैं और रिक्शा चला कर करते हैं गाइस। कितना मेहनत करते हैं और देखिए खाली पैर हैं, खाली पैर करते हैं। आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं? चप्पल घर में रह गया है नहीं, या फिर पैसा नहीं है आपको पास चप्पल मतलब चप्पल पहनने के लिए? नहीं, किए तो चप्पल खरीद लीजिए। आप धूप में इतना काम कीजिएगा, धूप बहुत है, अब रिक्शा चला के काम करते हैं, 300-400 कमा लेते हैं ना, खुश मतलब खुश परिवार चल जाता है, कोई दिक्कत वगैरह नहीं होता है ना। आपका बच्चा मतलब पढ़ने जाता है स्कूल? स्कूल नहीं जाता है। तो गाइस देखो, अब गरीब आदमी क्या कर सकता है गाइस, स्कूल तो जा नहीं सकता है, बट कैसे भी इनका गुजारा बसर चलता है। तो आप लोग से यही कहना चाहते हैं गाइज कि आपसे हम बस यही कहना चाहते हैं कि आप लोग भी गरीबों की मदद कीजिए, जो भी आपके पास 20-50 जो भी हो। आपको ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि आप अपना मतलब ये करो 10,000-20,000, ऐसा हम लोग बड़ा आदमी नहीं है। तो गाइज आपके पास जो रहता है वही मदद करो। और ये अंकल देखिए खुश है दोनों, तो आप इसमें देख के बता दीजिए कि हम बढ़िया काम कर रहे हैं कि गलत काम कर रहे हैं। गरीबों की मदद करना बढ़िया काम है कि गलत काम है, आप बता लीजिए। बढ़िया काम है ना, बढ़िया काम है ना। तो मतलब उसमें ऐसे कर दीजिए कि आप लोग आप खुश हैं, कुछ गरीबों की आप लोग को भी मदद करना बहुत जरूरी है। हम लोग एक जैसे आदमी से कुछ नहीं होता है। तो गाइस ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।